डोम के साथ चले जाओ, डोम के साथ चले जाओ। तो ये बोले कि डोम के साथ क्यों जाऊंगी, अभी पढ़ेंगे। क्या क्या बोलते हैं तुम्हारे पास? हमें मारते पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, हर एक चीज करते हैं, दुर्व्यवहार। कुछ आरोप भी लगा रहे हैं कि गंदा गंदा बात, आरोप लगा रहे हैं हम पे कि गलत सलत काम करती है क्या? हाँ, हमारे दीदी के हस्बैंड चाहते हैं तो उन पे हमको आरोप लगाते हैं कि वो इसके साथ ऐसे ऐसे की है, इसीलिए ना तुम लोगों को घर से निकाल रहे हैं। हाँ जी, पढ़े लिखे 8th क्लास में हम स्टूडेंट है, फिर भी मेरे पिता कहते हैं कि तुम शादी कर लो। बताइए, छोटी बच्ची है, 8वां क्लास की स्टूडेंट है, आसपास 13 साल की होगी या 14 साल की होगी, मान के चलिए 14 साल की बच्ची है, शादी करने की बात कर रहे हैं, शादी करने के लिए कह रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं कि किसी और के पास। बक्सर से एक ऐसा खबर निकल करके सामने आ रहा है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। जी, हमारे साथ एक ऐसा परिवार है जो रोड पे सरदर भटक रहा है। तुम किसी और के पास भाग जाओ या शादी तुम डोम के साथ कर लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। काहे कह रहे हैं ऐसा तुम? क्योंकि वो चौथा शादी किया, उसके 3 बेटी हैं, उनके एक बेटी का शादी हो गया, 2 बेटी है, उनके शादी करेंगे, उनके उनको पढ़ाएंगे, इसलिए हमको कह रहे हैं कि तुम किसी और के साथ चली जाओ, भाग जाओ, शादी कर लो, ये कर लो, वो कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? डीएन पास ऑन एडवोकेट सिविल कोर्ट के। तुम्हारे जो पापा है, यस, वो जो तीसरी रखेल जो हमारी है, वो हमारी बेटी को बहका दी है और बहकावे में हमारी बेटी आ गई है, उसकी बेटी नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। हाँ, ये सर कि ये जो एडवोकेट है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 शादियां किए हुए हैं, और जिनके चलते इनका परिवार आज रोड पे भटक रहा है। जब दो दो को पत्नी को छोड़ दिए, तो आप तीसरी उनके साथ रहने के लिए तैयार हो गई, आपकी गलती नहीं है? बहुत, आप अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं? गलती किए थे उस उम्र में, अगर गलती नहीं किए होते तो आज दिन नहीं देखना। नहीं 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 सर, बहुत बिल्कुल बात है। बक्सर से एक ऐसा खबर निकल करके सामने आ रहा है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। जी, हमारे साथ एक ऐसा परिवार है जो रोड पे दर-दर भटक रहा है। इनके पिता और इनके पति एक ठीक सुयोग्य एडवोकेट एंड टीचर हैं। आपको सुन करके बड़ी ताज्जुब हो रहा होगा कि क्यों दर-दर भटक रहे हैं, तो आपको बता देते हैं कि ये जो एडवोकेट है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 शादियां किए हुए हैं, और जिनके चलते इनका परिवार आज रोड पे भटक रहा है। इनसे ही जानते हैं कि क्या आखिर क्या चीज हुआ और क्या ऐसा हुआ जिससे आपको रोड पे भटकना पड़ रहा है। आपकी पति का कितना शादी हुआ है? 4 शादी हुआ है। 4 को शादी हुआ है? पहला शादी कब हुआ था? पहला शादी की मालूम नहीं है सर, हम झूठ नहीं। पहला शादी किससे हुआ था? मंजू से हुआ था, नई बाजार के पुलिस का लड़की है वो। अच्छा, पुलिस की लड़की है? जी, तो उसका तलाक दे दिए, फिर दूसरे शादी 3 साल के बाद किए, उसी के बाद तीन शादी, मतलब दूसरी शादी किए है सर। दूसरी शादी फिर की? हाँ, फिर किया है, उसका नाम है चांदा। हाँ। तो है बिहटा के, उसका देश से अभी एक लड़का है, फिर तीसरा में हमारे को रखेल बना के रख लिया। अच्छा, रखेल बना के रखे? हाँ, हैं जी सर, रखेल बना के रखे हैं। तो कितना साल से आपको रखे हैं? 14 साल हो गए सर। 14 साल से? बताइए, 14 साल से इनको रखेल बना करके अपने ही घर में? हाँ, अब उन्हीं के घर में? हाँ, ना जी, उन्हीं के घर में उनका सेवा करते हैं, उसका कपड़ा भेजते हैं, उसका कुल काम करते हैं, उसका सेवा टहल सब करते हैं, घर मकान बनाते हैं, गिट्टी ढोता है। अच्छा, आपकी गलती नहीं है? आपको नहीं लग रहा है कि मेरी गलती है? जब दूधू को पत्नी को छोड़ दिए, तो आप तीसरी उनके साथ रहने के लिए तैयार हो गई, आपकी गलती नहीं है? बहुत गलती है, ये गलती है कि हम वही घड़ी आवाज उठाई थी, वही घड़ी भोजपुरी में मैं बोलता हूँ कि हम वही घड़ी अगर हम आवाज उठाई थी तो आज ही दिन देखे के ना मिली। रौरा गलती के एहसास होता कि ना, कि दूगो जे अपन मेहरारू के छोड़ देलो, तीसरा में रौरा काहे संगे गई नहीं? ना तो संगे गई नहीं, कि वो अगला पढ़ल लिखल निशान बा, हमारा के भरमा ओलस कहलन कि नहीं रहिए हमारा साथ, हम बोले कि हमारा कोई नहीं है सहारा, इसी के साथ में रहिए। आपका सहारा नहीं था? आपका पति नहीं थे? पति थे, बाकी पति हमारा बहुत हाफ माइंड थे, मजदूरी कहीं ना कहीं प्यार के चक्कर में पढ़ करके चली गई थी। हाँ, प्यार के चक्कर में हम पढ़ के चले गए। देखिए ना, प्यार कितना आदमी को, कब अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं? हाँ जी सर, गलती किए थे उस उम्र में, अगर गलती नहीं किए होते तो आज दिन नहीं देखना। नहीं 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 सर, बहुत बिल्कुल बात है। अच्छा, ये बताइए, लड़की किसकी है? किसकी? धर्मेंद्र पासवान के है। तो आपके शरीर से हुई है? हाँ जी सर, अभी मैडम है, चलिए हम मैडम से लड़की से पूछ लेते हैं। पापा का नाम है बच्ची? धर्मेंद्र नाथ पासवान। मम्मी का? शांति देवी। आपका क्या नाम था? शांति देवी। शांति देवी नाम है मम्मी का? यस। झूठ तो नहीं बोल रही हो? नहीं सर। बहकावे में तो नहीं आई? नहीं सर। किसी के सिखाने में तो नहीं बोल रही? नहीं सर।
आरोप ऐसा लग रहा है कि सिखाने में बहकावे में आ गई है, और अपनी जो मेरी रखेल है, इसके पापा कह रहे हैं कि रखेल जो है उसके साथ ही बहकावे में आ गई है और बहकावे में संपत्ति के लेने के लिए ऐसा कह रही है। बोलो, सही बात है? नहीं है। यही तुम्हारी यही माँ है? यस, यही मेरी माँ है, शांति देवी, और पिता धर्मेंद्र नाथ पास। आधार कार्ड पे नाम होगा ना? यस, आधार कार्ड, आई कार्ड सब पर नाम है। क्या मम्मी का नाम होगा ना उसमें? मम्मी का भी है और पिता का भी है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारी, तुम उनकी लड़की, तुम कह रहे हैं कि लड़की है मेरी लेकिन ये की माँ नहीं है, सोचिए कितना। वो झूठ बोल रहे हैं वो, क्योंकि काहे झूठ बोलेगा, वो एडवोकेट है, उनको झूठ बोलने की आदत है, इसलिए वो झूठ बोल रहे हैं। एडवोकेट झूठ बोलते हैं? हाँ, ये झूठ बोल करते ही केस जीतते हैं वो लोग, झूठ बोल कर केस जीतते हैं वो लोग, उसी से कमाई। तो तुम लोग महिला थाना में इधर उधर काहे काहे भटक रही? उधर महिला थाना में हमको लगा कि हमको इंसाफ मिल जाएगा, वो लोग बोले कि मेरी माँ को नहीं मिलेगा। क्या हुआ है ऐसा कि तुमको इंसाफ चाहिए? क्या है, घर में रहने नहीं दे रहे, क्या परेशानी है? वो शादी कर कह रहे हैं कि तुम मेरी, तुम किसी और के साथ चली जाओ, भाग जाओ, शादी कर लो, ये कर लो, वो कर रहा है। कौन कह रहा है? डीएन पासवान, एडवोकेट सिविल कोर्ट के, तुम्हारे जो पापा है। यस, क्या कह रहे हैं कि भाग जाओ? हाँ, डोम के साथ चले जाओ। हाँ, डोम के साथ चले जाओ। तो ये बोले कि डोम के साथ क्यों जाऊंगी, अभी पढ़ेंगे। क्या बोलते हैं तुम्हारे पापा? क्या हमें हैं? मारते पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, हर एक चीज करते हैं, दुर्व्यवहार। क्या कुछ आरोप भी लगा रहे हैं कि गंदा गंदा कुछ ऐसा? हाँ, आरोप हाँ, भी हाँ, आरोप लगा रहे हैं हम पे कि गलत गलत काम करती है क्या? हाँ, हमारे दीदी के हस्बैंड से आते हैं तो उन पे हमको आरोप लगाते हैं कि वो इसके साथ ऐसे ऐसे की है, इसीलिए ना तुम लोगों को घर से निकाल रहे हैं। हाँ जी, पढ़े लिखो ना, क्लास में हो? 8 क्लास में, हम स्टूडेंट है, फिर भी मेरे पिता कहते हैं कि तो शादी कर। बताइए, छोटी बच्ची है, 8वां क्लास की स्टूडेंट है, 8, 5, 13 महज 13 साल की होगी या 14 साल की होगी, मान के चलिए 14 साल की बच्ची है, शादी करने की बात कर रहे हैं, शादी करने के लिए कह रहे हैं? हाँ, कह रहे हैं कि किसी और के पास भाग जा, या शादी तुम डोम के साथ कर लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। तुम मेरा है ऐसे को काहे कह रहे हैं ऐसा तुम? क्योंकि वो चौथा शादी की, उसके 3 बेटी हैं, उनके एक बेटी का शादी हो गई, 2 बेटी है, उनके शादी करेंगे, उनके उनको पढ़ाएंगे, इसलिए हमको कह रहे हैं कि तुम चली जाओ। उसी के लिए आके घर में रखेंगे उनको, लिया कर जो तीसरी। अच्छा, थोड़ा सा और बता देते, तीसरी ये है, आज जो चौथी औरत है, चौथी औरत जिनकी शादी हो गया है, चौसा में रहती है, हो गया है। हाँ, बोले हाँ, है कि शादी कर लिए जी, हो गया, बोले थे शादी हो गया है, फोटो भी हम देखे हैं, देखी हो? हाँ, फोटो भी देखे हैं। चौथी औरत से भी शादी हो गया, बताइए कितना ये शर्मनाक बात है। एक वकील जो दूसरे को न्याय दिलाता है, दूसरे के न्याय के लिए लड़ता है, न्यायालय में लोग जाते हैं कि भाई वकील मेरा रहेगा तो वही हमारा केस देखेगा, और ये चौथी औरत जो चौसा की रहने वाली है, बताया जा रहा है इनका आरोप है, आरोप है इनका। सर, जैसे कि हम महिला थाना गए कल, तो बोले कि हम ये आपको आधा दिलवा देंगे, फिर आप कौन सी आधा दिलवा देंगे? जमीन में आधा दिलवा देंगे। अच्छा, आप जमीन मांग रही हैं उनसे? नहीं, जैसे मेरे घर है ना, तो मेरे घर 2 ताला घर है। हाँ, तो मैम बोले कि 1 ताला ऊपर का, वो बोले मेरे पिताजी की 1 ऊपर का हम ले लेंगे और नीचे का तुम लोग ले लो, लेकिन आज कल घर गए तो बोले कि, बोले थे कि 1 ताला नहीं देंगे, हम दोनों लेंगे, तुम लोग बस 2 रूम देंगे बोले। अच्छा, थे आज तो महिला थाना में मैडम घर से भगा दिए थे क्या? हाँ, हाँ, तू लोग महिला थाना में लाइन काट दिए थे ताकि हम लोग घर छोड़ के चले जाए, धूप पानी गर्म हो जा रहे, हम कहाँ पे रहे, इतना गर्मी जो है हमारे गर्मी से हमारे घर से भगा दिए थे, तब जाकर के ये लोग महिला थाना में गई, आवेदन भी दी, और एक आवेदन हम लोगों के पास भी है, आपको स्क्रीन पे लगा दिया जाएगा, आप देखेंगे। और नहीं नहीं, मोदी से जरूर बात कीजिए, आप लोग मोदी के नंबर दीजिए, मोदी से बात कीजिए, मोदी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हाँ, तो ये का है मोदी अलियां कोई लोग की बाप के बेटी होके अब घर घर द्वार द्वार स्टेशन और रोड रोड पर बैठ के घू कहीं भटके की कहीं उसका इस हमारा ना मिले, हमारा बेटे की सब मिले के चाहिए ना कि ना मिले, मोदी जी से, मोदी जी के का नाम है। पैसा वैसा देते हैं पढ़ने के? नहीं नहीं नहीं, कुछ तो सरकारी में पढ़ाते हैं तो पैसा कहाँ लगता है, वो तो खुद है सरकार के। नहीं नहीं, ट्यूशन उशन कुछ नहीं पढ़ाते हैं, 2 दिन पर 1 दिन पढ़ाते हैं, तो कुछ ट्यूशन है, लड़की की जिंदगी तो ऐसे ही बर्बाद कर दिए। वो
दो बच्चे की जिंदगी बार कर दिए, पढ़ने के लिए पैसा नहीं नहीं देते हैं, ट्यूशन के कुछ नहीं, नहीं नहीं कपड़ा लाता देते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, जन साचे हैं तो हम बोलेंगे, कभी कल कपड़ा लाता खरीद देते हैं वो, बाकी चीज वो नहीं करते हैं, हम काम करते हैं, काम करके अभी खिलाते हैं अपना बेटी के, अपना भीड़ी हम रखे हैं। अगर कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि नहीं वो जो तीसरी रखेल जो हमारी है वो हमारी बेटी को बहका दी है और बहकावे में हमारी बेटी आ गई है, उसकी बेटी नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। हाँ ये सर झूठ बोल रहे हैं, बार बार झूठ बोलता है। अभी आज सवेर में बोले कि तुम छोड़ के चले जाओ, काहे मेरा चेहरा देख रहे हो, तुम छोड़ के चले जाओ। महिला थाना को जो मैडम है उनको गाली दे रहे हैं, महिला थाना की मैडम को, लेकिन मैं वो बात सुन कर भी कि उनको गाली गलौज दिया जा रहा है, फिर भी वो चुप, क्योंकि उनको पैसा मिल चुका है, वो लालची है। किसको पैसा मिला है? महिला थाना की जो मैडम है उनको पैसा खिलाया गया है। हाँ वो खिला दिए कल रात भर, वो गाय खा कर लिखवा देंगे, बाकी आज काहे बोले कि आप तुम लोग वही में जाके रहो, तुम लोग को पैसा के कोई, मैंने शुरुआत में बोले थे कि ऊपर वाला दे देंगे या नीचे वाला रहेंगे, हम रहेंगे और नीचे वाला तुम लोग को दे देंगे, कल के बात है, बाकी आज के बात में आज बोले मैडम की आज जाओ घरे, अब तुमको रहने से ना जरूरत है, तुम्हारा अब कोई कल के दिन चौथे चौथी बीवी को नाम पे, अच्छा मान के चलिए हम लिख देंगे, चौथी बीवी को देने के चक्कर में, हाँ उनको उनके नाम उनके बेटियों को, इसीलिए तुम लोग महिला थाना में गए थे ना, हाँ चाइल्ड वाले में भी गए थे, हाँ चाइल्ड हेल्पलाइन से हम केस किए थे, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं हुआ, वहाँ से बोला गया कि हमसे कुछ नहीं हुआ। मैटर अब समझ में आया ना कि चौथी औरत को अपनी सारी संपत्ति देने के, अब शादी करेंगे तो संपत्ति तो देना ही देना है, तो चौथी औरत जो चौसा की रहने वाली है उसको देने के लिए नाम लिए, तब ये लोग भड़क उठे। भड़कने का भी कारण है भाई, जो बेटी है जिनको रखेल बना के 14 सालों से आप रखे हैं तो भड़के का सही बात है। तो जब ये लोगों को पता चला कि चौथी शादी हो गई है तो ये लोग अपना कब्जा जमाने की बात सोचे, यही बात है ना? यस सर। अच्छा ये कहना है आउरी, कारी से कारी सजाई, आ चाहे उसका चाहे हमारा दीजिए, ऐसे कि हम कोनो गलत नहीं की कोई ले, महला टोला सब देखता देखेला हमारा के, बाकी डरे उनका से ना कोई बोला कि हरजन रेट के केस में फंसा वेला सबके, हमारा हरजन एक्ट में फंसा देंगे, हाँ हाँ हरजन रेट के पैसा उधर रहे हैं, बाइक चेक करिए उसका, बाइक में कितना पैसा रख लो, कहा मैंने कि एसपी डीएसपी ऊपर लिखे हुए हैं कागज पर, एसपी डीएसपी दरोगा पुलिस हम सबके खरीद लेंगे, तुम्हारा कोई सुनवाई नहीं होगा, तुम कितना भटकोगी तुमका कोई सुनवाई नहीं होगा, अंतिम में आके हमारा गोड़ छानोगी तू, यह बात वो बोल रहे हैं कि इतना वकील लोग हैं अथी में हाई कोर्ट में ये सिविल कोर्ट में फिर डुमरा में कहीं वकील साहब यह करेगी अपने पत्नी के साथ, लोग भी चार चार शादियाँ कर सकते हैं, जब वो लोग ये सब बात करे तो वो लोग भी चार चार शादी की होंगे, इसलिए बतलाओ कि तुमको कब पता चला कि चार गो शादी हुआ है, क्योंकि वो दस कोई इंसान सुबह में बात कर सकता है, दोपहर में बात करता है, शाम को, लेकिन उनका टाइम है 10 से लेकर 12 बजे तक, वो भी औरों से क्यों बात करेंगे, उनके पास केस आए तो इसका मतलब तो नहीं, रोज तुम्हारे सामने भी बात करते, हाँ हाँ औरतों से, हाँ यस सर, अपने घर पे भी लेके आते, यस सर, हाँ हाँ मोटरसाइकिल कितनी बार उसको घर पर लेकर आए, लेकिन हमको उस वक्त पता नहीं था, मेरे से खाना बनवाए हैं, पानी पिए, चाय बनवाए हैं, सब दिए हैं उसको, जो चौसा वाली औरत, यस क्या नाम है चौसा वाली औरत, नहीं पता है, नंबर है, नाम नहीं पता है। अच्छा थोड़ी सुन लीजिए सर, अच्छा जब उसका पास हम फोन किए कि मैडम आइए हमारे से भेंट कर लीजिए, तो वो बोले कि कहाँ से फोन किए, तो हम कहें कि वकील साहब के घर ले, तो बोले कि कौन वकील साहब, तो हम कहें कि जो रात रात बड़ा बात करती है वकील साहब के हैं, वही वकील साहब के हैं, तो कहते कि वकील पकील का हम कोई नहीं चिन्हते हैं, तू कैसा नारत है के घर उजार रहा है, घर बर्बाद कर रहे हैं, जो आदमी तीन गो के शादी की है, जो औरत है जो चौथी औरत, हाँ फोन काट करके पिताजी पे फोन लगा दी, और वो आकर घर पे मुझे मारपीट कर रहे का, अच्छा, मारते भी है तुमको, हाँ ये जो दाग है उन्हीं के वजह से हुआ है, दाग दिखाई थोड़ा पास से दिखाई, झूठ तो नहीं बोल रही हो तुम, जी नहीं, ये दाग लगा है जो सिर पे उन्हीं के मारा हुआ है, जी जी छोट पर मार दिए है, पटक दिए है, छोटे पर का है, हाँ हाँ 10 साल के होगा चाहे 7 साल का, पटक दिया है, सिर फट गया तो इसका टंका दिवाए हैं। चलिए देखिए ये सब घटना हमारे समाज को कितना कलंकित कर रही है, जो न्याय दिलाने वाला व्यक्ति है वही इस तरीके की घटना कर रहा है, तो समाज किस तरीके से बदलेगा, हमारा समाज क्या किस तरीके से विकास की तरफ बढ़ रहा है या विनाश की तरफ बढ़ रहा है, आप सब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या होगा इन परिवारों का, क्या होगा उस वकील का, क्या होगा जो चार चार शादी करके
एक शादी से संतुष्टि नहीं, दो शादी से संतुष्टि नहीं, तीसरे को रखेल बना के रखता है, फिर चौथे से शादी करने की बात करता है और चौथे से शादी करता है, तो क्या होगा उस व्यक्ति का, आप खुद सोच सकते हैं। विशेष कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।